सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर में जिस तरीके से जवानों की हत्या की गई है, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूका जा रहा है। भारतवासियों का साफ रूप से कहना है कि जिस तरीके से हमारे जवान का हत्या किया गया है, हम भी पाकिस्तान में घुसकर उस आतंकवादियों का हत्या करेंगे। आप भी सुनिए पटनाइट्स ने क्या कुछ कहा। जवाब तो देना चाहिए, जवाब एक्चुअली होना ही चाहिए, जवाब जरूरी है। हिंदू मुस्लिम सब मिल करके जवाब देना है। क्या कहेंगे देश को प्रधानमंत्री? कहेंगे नहीं, जवाब दे, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अभी तक बहुत हो गया है, सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए था जो अभी तक नहीं उठाया गया, तो सरकार की तरफ से कुछ होना चाहिए था। और जवान भी बहुत घायल हो गए, उनके परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, सरकार को बड़ी हेल्प मिलना चाहिए और जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करना चाहिए सरकार को। इसका करार जवाब मिलेगा, पाकिस्तान का फार के रख देंगे हम लोग, चिंता नहीं कीजिए। अगर हम लोग बिना पैसों के आर्मी में लिया जाएगा तो मतलब कि पैसा वैसा नहीं दिया जाएगा तो हम लोग जाएंगे आर्मी में, हम लोग बॉर्डर पे लड़ेंगे भारत के लिए। भारत को अगर पूरा खुला छूट दे दिया जाएगा तो पाकिस्तान दो मिनट में साफ हो जाएगा, बस और क्या। क्योंकि ये जो घटना है हमारे देश के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है, इस पर जरूरत है विचार करने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक है। हमारे देश के अंदर गद्दारों की कमी नहीं है, सबसे पहले अपने देश के अंदर के गद्दारों को हटाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर से अगर 370 हटा दिया जाए तो सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी और एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। और जहाँ तक कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी खुली छूट दे दी हमारे सैनिकों को, एकदम पूरी तरह पाकिस्तान घुस के मारो, यही तो है अपने देश का एक कानून सिस्टम बोल सकते हैं या संविधान में क्या कुप्रथा बोल सकते हैं। जब कोई चीज़ होती है उसके बाद एक्शन लिया जाता है, अगर ये पहले से सोचा जाता है तो ऐसी घटना नहीं होती। सर्जिकल स्ट्राइक देखे थे, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद फिर ये घटना, इसके बाद फिर सैनिकों को आज़ादी दी जा रही है, खुली छूट, अगर इसे पहले दी जाती तो ऐसी घटना नहीं होती। आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए? एकदम सरेआम। जैश ए मोहम्मद इस तरीके से संगठन बना के लोग रखता है आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ, उनको गोलियों से छलनी कर देनी चाहिए। मोदी जी का आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना, क्योंकि अगर हम खुशियाँ नहीं मनाएंगे तो ये मेट्रो ये सब का क्या फायदा। सबसे जरूरी है आतंकवाद के खिलाफ बेजोर एक्शन लेना। तो देखा पटनाइट्स हैं जिनका साफ रूप से पाकिस्तान के लिए कितना गुस्सा है आपको पता ही चल रहा होगा। कैमरा पर्सन संजीव आर्या के साथ सौरभ शर्मा, LR News 24x7 पटना।